मैं रिपीट कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को लेक्चर दे रही हूँ, सेकंड लेक्चर, बाब नंबर जुग्राफिया का बाब नंबर 3, बड़े माहौलियाती मसाइल, मौसम। मौसम पढ़ा रही हूँ। आबो हवा की बुनियाद पर जो हमारा क्या नाम है आबो हवा है, उसके लिहाज से साल के एक मखसूस अरसे या मुद्दत को मौसम कहते हैं। यानी कि साल का खास ज्यादा अरसा जो है हमारा खास अरसा वो किस तरह का गुजरता है उसको मौसम कहा जाता है। पाकिस्तान के मौसम, पाकिस्तान नीम मोतदिल यानी कि टेम्परेट खत्ते रीजन में पाया जाता है, नीम मोतदिल खत्ते में। यहाँ पे आप लोग लिख लें अंडरलाइन करके, जिसमें दर्जा दर्ज जेल मौसम पाए जाते हैं। पाकिस्तान में 4 किस्म के मौसम पाए जाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया है मौसम जो है इसमें मौसम जो है पाकिस्तान का वो खुश्क है और गर्म है, जो एवरेज टेम्परेचर है। यानी कि हमारे यहाँ बारिशें बहुत ज्यादा नहीं होती जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करती, इसलिए खुश्क है और गर्म। क्योंकि मैंने बताया पहली बार साल में ऐसा है कि यहाँ पर पाकिस्तान में इतनी सर्दी पड़ी, अदरवाइज पाकिस्तान के ज्यादातर 6 से 7 माह जो है वो गर्मी में गुजरते हैं, बाकी जो कुछ माह होते हैं वो सर्दी में या बाहर के खजा के मौसम में गुजर जाता है। मौसम सरमा सर्दी का मौसम, ये देखें पाकिस्तान में मौसम सरमा का आगाज, पाकिस्तान में सर्दियों का जो मौसम है वो दिसंबर से होता है शुरू और ये फरवरी के अख्ताम यानी कि दिसंबर जनवरी फरवरी फरवरी के एंड तक ये खत्म हो जाता है सर्दी का मौसम। इस मौसम में मुल्क के बेशतर हिस्सों का औसत दर्जा हरारत, हमारा जो इस मौसम में मुल्क का बेशतर हिस्सों का जो दर्जा हरारत है वो 18 सेंटीग्रेड से कम रहता है। यानी कि हमारा जो सर्दियों में टेम्परेचर है वो 18 सेल्सियस से लेस रहता है। जनूब यानी कि अगर आप साउथ से नॉर्थ की तरफ नीचे से ऊपर पाकिस्तान में जाए तो दर्जा हरारत बदतदरीज कम होता जाता है, इसलिए क्योंकि जनूब में समंदर है तो समंदर में ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी होती है, तो वहां पे मौसम जो है मॉडरेट रहता है। लेकिन जो जो आप ऊपर जाते जाएंगे तो पहले मैदानी इलाके आते हैं, यहाँ पे सर्दी की शिद्दत बढ़ती जाती है। पंजाब में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, गर्मी भी बहुत पड़ती है सर्दी भी बहुत पड़ती है। और बलोचिस्तान है यहाँ पे भी मैदानी इलाकों में, सिंध के मैदानी इलाकों, जो जो आप ऊपर आते जाएंगे सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ेगी, गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ेगी। क्योंकि सर्दी जो है क्योंकि जो जो ऊपर आते जाएंगे नॉर्थ साउथ से नॉर्थ की तरफ तो पहले मैदानी इलाकों में सर्दी ज्यादा पड़ेगी पड़ेगी, फिर सबसे ऊपर पहाड़ी इलाके आते हैं यहाँ पर दर्जा हरारत 0 सेंटीग्रेड से कम हो जाने की वजह से शदीद बर्फबारी होती है। हमारे यहाँ मरी क्या नाम है नारायण कागान माउंटेनियस एरिया में हिंदू कश कराकराम हिमालयस की जो माउंटेन्स है ये सारा ये यहाँ पे बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है। वैसे तो जो हमारे माउंटेनियस रीजन है इन्हें कराकराम की हिमालयस की हिंदू कश की ये ज्यादातर माउंटेन सर्दियों में सारा साल ही तकरीबन बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन जब जैसी गर्मी आती है तो थोड़ा सा इनका जो पानी होता है वो ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो जाते हैं तो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन ये ज्यादा कराकराम तो सारा साल ही बर्फ से ढकी रहती है। बारिश सर्दियों में तो ये पूरी की सारी माउंटेन्स जो है ये बर्फ से भर जाती है। इस मौसम में बारिश मौसम में गर्मा के मुकाबले में कम होती है। इस मौसम में क्योंकि हमारे यहाँ मौसम में सरमा में बारिशें कम होती हैं, बारिश का अहम सबब मगरबी गर्दबाद है, यानी कि मगरब में वेस्ट की तरफ जो साइक्लोन्स तूफान आते हैं उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश होती है जो मगरिब की तरफ से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। हमारे सर्दियों में जो थोड़ी बहुत बारिश होती है क्योंकि वेस्ट में गर्दबाद आते हैं जिसकी वजह से यहाँ बारिशें जो हैं वो पाकिस्तान में होती हैं। अब मैं आपको पढ़ाने लगी हूँ पेज नंबर 26, पेज नंबर 26 जोग्राफिया बाब नंबर 3, मौसम बहार स्प्रिंग सीजन, मौसम में बहार, बहार से पता चलता है फूलों का हरियाली का मौसम, ठीक है। पाकिस्तान में मार्च से यानी कि दिसंबर से फरवरी में सर्दी, मार्च से लेके अप्रैल तक हमारे यहाँ मौसम बहार का ना स्टार्ट होता है। मार्च के आगाज से अप्रैल के इख्तिताम तक मौसम ना ज्यादा सर्द होता है और ना ज्यादा गर्म, ठीक है। मौसम बहार में जो है इस मौसम में अप्रैल ये मार्च से अप्रैल तक होता है, ना मौसम ज्यादा सर्द होता है ना ज्यादा गर्म, ठीक है। मतला
ज्यादातर साफ रहता है, यानी कि आसमान या मौसम जो आसमान है वो ज्यादातर साफ रहता है, ठीक है। अलबत्ता शुमाली इलाका जात यानी कि नॉर्थन एरियाज में गरज चमक के साथ थोड़ी बहुत बारिश होती है। इस मौसम में बहार में क्या होता है, दरख्तों और पौधों के नए पत्ते निकलते हैं और इसके अलावा तरह तरह के खूबसूरत फूल खिलते हैं, ये मौसम बहार कहलाता है, ठीक है। याद रखना है आपने, दिसंबर से फरवरी सर्द मौसम है, फरवरी के बाद होता है मार्च, मार्च से लेके अप्रैल तक मौसम आता है बहार का, ठीक है। अब मार्च अप्रैल, अब देखिए अगला देखिए मौसम में गर्मा में मई आ जाता है, ठीक है। मतलब एक सीक्वेंस है सारे मौसम लिखे में, मई की आमद, जैसे ही मई आता है पाकिस्तान में मौसम में गर्मा का आगाज यानी कि गर्मी शुरू हो जाती है। तो अभी देखिए मई में गर्मी थी ना, तो मई जून और अब देखिए माशाल्लाह से ये जुलाई का महीना है, तो अब इसमें गर्मियां जो है वो शुरू है, ठीक है, जारी है, जो सितंबर तक गर्मी जो है पाकिस्तान में चलती है। इस मौसम में दर्जा हरारत बढ़ जाता है, मौसम में ज्यादा दर्जा हरारत बढ़ता है, मुल्क के बेशतर हिस्सों में, ज्यादातर हिस्सों में मौसम में पाकिस्तान के जो हिस्सों में दर्जा हरारत है वो 18 सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है, यानी कि 18 सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाता है। मैदानी इलाकों में बिलखसूस सहराओं में, जहाँ मैदानी इलाके में सहराओं में गर्मी शदीद बढ़ जाती है। अलबत्ता जो साहिली इलाके हैं यानी कि जो समंदर का एरिया आ जाता है, इन इलाकों में समंदर के असरात की वजह से दर्जा हरारत मुतदिल रहता है, तो क्योंकि यहाँ पे समंदर होता है तो ना ज्यादा सर्दी होती है ना ज्यादा गर्मी होती है, जबकि पहाड़ी इलाकों में गर्मी की शिद्दत ज्यादा नहीं होती। वैसे तो जो कराकरम माउंटेन्स है या इधर के इलाके देखे वो तो कराकरम की जो माउंटेन्स है, कुछ हिमालय की है, कुछ थोड़ी दृष्टि वहां पे तो ये होता है कि थोड़ी वहां पे तो सारा सारा बर्फ रहती है, लेकिन बहुत सारे इलाके जो है पहाड़ी इलाके, बहुत सारी हिमालय की कुछ माउंटेन चट्टाने माउंटेन्स है चट्टाने हैं, उसके अलावा कुछ हमारे जो थोड़े से नॉर्थ के इलाके हैं तो वो खुशगवार होते हैं, वहां ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती, ठीक है, या तो बर्फ से ढकी रहती है या ज्यादा गर्मी, वहां गर्मी नहीं पड़ती है, मौसम खुशगवार रहता है। दर्जा हरारत ज्यादा ना होने की वजह से पाकिस्तान में हवा का दबाव कम रहता है। देखिए जब दर्जा हरारत ज्यादा होने की वजह से, जब दर्जा हरारत ज्यादा होता है तो हवा का दबाव कम होता है, जब दर्जा हरारत कम होता है तो हवा का दबाव ज्यादा होता है, ये ऑपोजिट है, आपने याद रखना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जिसकी वजह से बहीरा अरब और खलीज बंगाल से मूनसूनी हवाएं पाकिस्तान की तरफ चलना शुरू हो जाती है। जैसे ही दर्जा हरारत जो है वो कम होता है तो बहीरा अरब यानी कि ये बहीरा अरब और अरेबियन सी और खलीज बंगाल जो हमारे पास बंगाल बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे मानसून की हवाएं आती हैं और वो बारिश बरसाती हैं पाकिस्तान में, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में मानसून की हवाएं आती हैं और बारिश होती है। ये हवाएं नमी से भरपूर होती हैं, इन हवाओं में क्योंकि नमी होती है और खूब बारिश होती है। बारिश का ये सिलसिला जुलाई से के वस्त से सितंबर के वस्त तक जारी रहता है। जुलाई के वस्त से सितंबर के, इनके जुलाई के मिड से सितंबर के मिड तक ये बारिशें होती हैं। इसे मौसम में बरसात, जो बारिशें जुलाई से दिसंबर सितंबर मिड जुलाई से मिड सितंबर तक होती है, इसे मौसम में ये बरसात का मौसम होता है, ठीक है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बारिश शुमाल मशरकी पंजाब में यानी कि नॉर्थ वेस्ट पंजाब का जो पोर्शन है वहां पे बारिशें होती हैं। इससे मुल्का पहाड़ी इलाकों में होती हैं, कुछ इससे जो नॉर्थ वेस्ट की यानी कि शुमाल मगरिब मशरिक सॉरी दोबारा से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बारिश जो है वो नॉर्थ शुमाल मशरिकी यानी कि ईस्ट मशरकी नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब में होती है। तो आप ये देख सकते हैं कि लाहौर का इलाका भी इसी में आ जाता है और इससे मुल्का यानी कि जो पहाड़ी इलाके हमारे साथ लगे हैं अटैच, उनमें भी ये बारिशें होती हैं, जबकि शुमाल नॉर्थ जनूब साउथ मगरिब वेस्ट की तरफ बारिश की मिकदार बदतदरीज कम रहती है। तो यहाँ थोड़ी बारिशें जो है
वो कम होती हैं। ठीक है, आगे मौसम खिजां अक्टूबर और नवंबर में एक मरतबा फिर मौसम ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा गर्म होता है ना ज्यादा सर्द। अच्छा जी देखिए, याद रखिए, मई से सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर। ठीक है, दोबारा बोल देती हूँ, मैं समझा देती हूँ, गौर से सुनना आप लोगों ने। सर्दी होती है दिसंबर से फरवरी। ठीक है, फरवरी के बाद मार्च का महीना है, मार्च से लेके अप्रैल तक मौसम बहार। मौसम बहार के बाद अप्रैल के बाद मई आता है, मार्च अप्रैल मई के बाद यहाँ पर होती है मौसम गर्मा। मौसम गर्मा जो होता है वो सितंबर तक रहता है। ठीक है, सितंबर में के बाद आता है अक्टूबर, अक्टूबर में अक्टूबर से नवंबर तक सर्दी रहती है, नवंबर अक्टूबर नवंबर फिर देखिए दिसंबर से सर्दी दोबारा शुरू हो जाएगी। अक्टूबर से नवंबर तक जो एक मरतबा फिर मौसम एक मरतबा फिर मौसम ना ज्यादा सर्द होता है ना ज्यादा गर्म। बारिश की मिकदार, क्योंकि आपको पता है ये मौसम खिजां है, खिजां का मतलब होता है पत्तों का झड़ जाना, फूलों का झड़ जाना, मुरझा जाना, घास सूख जाती है, तो ये मौसम खिजां है, तो बारिशें नहीं होती, जिसकी वजह से मौसम पत्ते या दरख्तों के रंग बदल जाते हैं, कुछ पत्ते होते हैं उनके खूबसूरत खूबसूरत ऑरेंज ऑरेंज कलर हो जाते हैं। तो इसी तरह बारिश कम होती है इस मौसम में। जनूबी पंजाब यानी कि साउथ पंजाब और शुमाल मशरकी सिंध यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न सिंध, ठीक है, में गर्द आलूद हवाएं चलती हैं, यानी कि हवाएं चल रही होती हैं यहाँ पे गर्द आलूद। शुमाली इलाका जात में गरज चमक के साथ थोड़ी बहुत बारिश होती है, यानी कि नॉर्थ का जो एरिया है, नॉर्थन हमारा पाकिस्तान का जो रीजन है, वहां पे कुछ बारिशें होती हैं। इसके अलावा इस मौसम में दरख्तों और पौधों के पत्ते झड़ जाते हैं, तो इस मौसम में दरख्तों और पौधों के जो है वो पत्ते झड़ जाते हैं, इसे मौसम में खजां कहते हैं। ठीक है, अगला है पाकिस्तान की आबोहवा के खत्ते। पाकिस्तान की जो आबोहवा है वो पाकिस्तान की सतह एक जैसी नहीं है, पाकिस्तान में मैदानी इलाके भी हैं, सराई इलाके भी हैं, सतह मुर्तफा भी है, पहाड़ भी है, मैदान भी है। ठीक है, इस इख्तलाफ की वजह से, यही वजह है क्योंकि डिफरेंट सतह है पाकिस्तान में, मुख्तलिफ हिस्सों में दर्जा हरारत और बारिश की मकदार भी यकसा नहीं होती, तो यहाँ पर मुख्तलिफ जो हिस्से हैं वहाँ पर कहीं ज्यादा, अब हर जगह तो बारिश ज्यादा नहीं होती, जैसे जहाँ पे सिंध के इलाके, साहिली इलाके, तो वहां पे बारिशों की मिकदार जो है वो बस नॉर्मल है। ठीक है, और दर्जा हरारत क्योंकि वहां पे मोतदिल है, पाकिस्तान में लाहौर में पंजाब का इलाका सिंध के इलाका, यहाँ पे मानसून की बारिशें होती हैं और इस तरह से, लेकिन ज्यादा सर्दी, बहुत ज्यादा सर्दी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इसी तरह पहाड़ी इलाका जहाँ जो है वहाँ पे जो है वो बर्फ ढके रहते हैं, तो अगर ठीक है तो यहाँ पे बारिश भी एक जैसी नहीं होती। तो पाकिस्तान की सतह और मौसमों के इख्तलाफ की वजह से को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि पाकिस्तान में सतह डिफरेंट है, मौसम डिफरेंट रहते हैं, डिफरेंट किस्म के मौसम है, तो इस वजह से 1951 में पाकिस्तान के एक मशहूर जोग्राफिया दान जिनका नाम काजी सईदुलदीन अहमद ने पाकिस्तान को चार हिस्सों में आबोहवा के लिहाज से चार हिस्सों में तकसीम किया है। ठीक है, पहला नीम हारी बरी पहाड़ी आबोहवा का खित्ता। ठीक है, नीम हारी बरी पहाड़ी आबोहवा का खित्ता यानी कि सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड क्लाइमेटिक रीजन। ठीक है, आबोहवा के का ये खित्ता नीम हारी बरी यानी कि खुश पहाड़ी इलाके, अभी पहाड़ी इलाका आ रहा है तो सीधी बात है कि यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि ये पाकिस्तान की इसमें नॉर्थ शुमाल और मगरबी पहाड़ी इलाके यानी कि वेस्टर्न पहाड़ी इलाके हमारे बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाके आते हैं। अब पहाड़ों का जिक्र है, आपने पहाड़ों को मद्देनजर रखते हुए, आपको पता है कि जो पहाड़ पाकिस्तान में पाए जाते हैं वो समंदर से दूरी और बुलंदी की वजह से इस खित्ते की आबोहवा में पर बर्री असरात हैं, क्योंकि समंदर दूर है तो यहाँ बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है और गर्मी तो ना है ही नहीं, ना होने के बराबर है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ की आबो हवा बहुत सर्दी पड़ती है, यहाँ पे शुमाली पहाड़ी यानी कि हमारे पास नॉर्थ माउंटेनियस रीजन जो है इनकी बुलंदी 5000 मीटर से ज्यादा है, इसीलिए यहाँ मौसम सरमा जो है वो वहां पे टेम्परेचर यानी कि दर्जा हरारत 0 सेंटीग्रेड से नीचे
यानी कि डर जा रहा है, 0 सेल्सियस से भी कम होता है। और उस मौसम में आपको पता है सर्दियों में शदीद बर्फबारी होती है, और गर्मियों में देखा जाए मौसम गर्मा में तो यहाँ पे दर्जा आ रहा है 10 से 20 सेंटीग्रेड के दरमियान में होता है। कोई हिमालय, क्योंकि माउंटेनियस रीजन है, आपको पता है बार बार नीमहारी बड़ी पहाड़ी आबो हवा का खत्ता है, तो इसका मतलब है माउंटेन के रीजन है। पेज नंबर 27 पे आ जाइए, कोई पहली लाइन पे लिखा हुआ है कोई हिमालय कोहे हिंदू कलाकरण कोहे हिंदुकश, यहाँ इंतहाई बुलंद पहाड़ी इलाके हैं। इस इलाके इन इलाकों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलती हैं, बारिश के साथ से शदीद बर्फबारी भी होती है। ठीक है, मगरबी पहाड़ी सिलसिलों और बलूचिस्तान के जो हिस्से हैं वहां पे भी बर्फबारी होती है, और इस पहाड़ी इन पहाड़ी सिलसिलों में बारिश की मिकदार कम है। अच्छा, जो नॉर्थ के पहाड़ी इलाके हैं जैसे हिमालय कोहे कराकरम कोहे हिंदुकश, यहाँ पे बारिश तूफान और इसके अलावा बारिशें हैं तूफान है और बर्फबारी होती है। लेकिन जो मगरबी पहाड़ी इलाके हैं वहां पे बर्फबारी जो है कंपैरेटिवली वो बर्फबारी तो होती है, यहाँ पे बारिशें जो है कम होती है। नीमहारी बरी सतह मुर्तफा की आबो हवा का खिता, आप देख लें सतह मुर्तफा है यानी कि प्लेट्यू, तो प्लेट्यू यानी कि सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल फ्लैटियन क्लाइमेटिक रीजन। तो अब इसमें क्योंकि सतह मुर्तफा आ रही है तो सतह मुर्तफा बलूचिस्तान जो है इसमें शामिल है। आबो हवा का ये खत्ता क्योंकि बलूचिस्तान की सतह मुर्तफा के मगरब के हिस्से पर मुश्तमिल है। ठीक है, बलूचिस्तान का सतह मुर्तफा, बलूचिस्तान की जो सतह मुर्तफा है वो इसमें शामिल है। समंदर से दूरी, तो क्योंकि यहाँ से समंदर दूर है की वजह से इस खत्ते में आबो हवा पर बड़ी असरात साबित है। देखिये, जहाँ पे समंदर दूर है तो बड़ी असरात है। ठीक है, जहां पे समंदर करीब पड़ता है तो वहां पर आपको बरी का लफ्ज नहीं मिलेगा। सही, अच्छा, बरी का मतलब तो खुश्क। ठीक है, तो क्योंकि ये इलाका बलूचिस्तान का इलाका है, सतह मुर्तफा का इलाका, तो समंदर से भी दूर है। इस खत्ते में नोश्की, इस खत्ते में नोश्की चाही खारान और नोकंडी जी ये सारे इलाके इस खत्ते के अंदर आते हैं। मौसम सरमा में यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 0 से 9 सेल्सियस सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है, जबकि मौसम गर्मा में 32 सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी। इस खत्ते में बारिश भी कम होती है, बारिश के एक जो है अमूमन मगरबी गर्द बादों की वजह से होती है, यानी कि वेस्ट में जो गर्द बाद तूफान आते हैं उनकी वजह से। चौथा पॉइंट, नीमहारी बरी मैदानी आबो हवा का खत्ता। अब नीमहारी बरी मैदानी है, मैदान का मतलब है पंजाब सिंध बलोचिस्तान। ठीक है, अब पंजाब भी मैदानी इलाका है, सिंध के मैदानी इलाके इसमें शामिल है, बलूचिस्तान का इलाका है। यहाँ पे क्योंकि इन इलाकों में सहराओं पर मुश्तमिल है ये इलाका, और कुछ सहरा भी इसमें शामिल है, सॉरी सिंध पंजाब सिंध बलूचिस्तान के मैदानी इलाके, कुछ सहरा जो है वो नीम हारी बरी मैदानी आबो हवा के खत्ते में शामिल है। समंदर से फासला है, समंदर क्योंकि यहाँ से दूर पड़ रहा है, आप देखिए पंजाब से बहुत दूर है, सिंध से भी दूर है। सिंध में से वो जो सिंध के जिन इलाकों को समंदर टच करता है वो इलाके नहीं है, जो सिंध का ऊपर का यानी कि शुमाल का इलाका है वो इसमें सारा शामिल है। ठीक है, तो इस खत्ते में आबी हवा आबो हवा के जो है वो बड़ी असरात रहते हैं। बड़ी मैं इस वक्त बार बार बता रही हूँ कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ पेज नंबर 27। सही, अच्छा, बरी जो है यहाँ पे असरात पड़ते हैं, बरी असरात की वजह से इस खत्ते के दर्जा हरारत में शदीद शिद्दत पाई जाती है। तो यहाँ पे दर्जा हरारत में शिद्दत है, बहुत ज्यादा सर्दी बहुत ज्यादा गर्मी। मौसम सरमा में औसत दर्जा हरारत यानी कि जो यहाँ पे मौसम सरमा सर्दियों का जो मौसम होता है यहाँ पे टेम्परेचर 10 से 20 सेंटीग्रेड के दरमियान, सर्दियों में 10 से 20 सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है, जबकि मौसम गर्मा में टेम्परेचर 32 सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि अब तो 10 से 20 सेंटीग्रेड तक हो जाता है, लेकिन जब मैं कभी छोटी हुआ करती थी तो वहां पे नेगेटिव में रहा करता था पंजाब का जो टेम्परेचर है। तो ये एवरेज टेम्परेचर गिवन है जो 10 से 20 सेंटीग्रेड सर्दियों में रहता है इसके दरमियान में रहता है, और जो 32 सेंटीग्रेड से ऊपर यहाँ पे जो है अमूमन जो है वो गर्मियों में पंजाब में और
सिंध में और सहराओं में, बलूचिस्तान के कुछ इलाके जो है इसके अंदर मैदानी इलाके इसमें शामिल है। इस खत्ते में मौसम सरमा जो मौसम जो है सर्दियों का जो मौसम होता है इसमें बारिश की मिकदार बहुत कम होती है। आप देखिए कि पाकिस्तान में लाहौर को आप अपने अगर आप देखें तो पंजाब में यहाँ पे बारिशें सरमा महीने कम होती है। अलबत्ता मौसम गर्मा में बहिरा आया अरेबियन सी और खलीज बंगाल बे बंगाल की हवाओं की वजह से यहाँ पे जो है बारिश होती है। अगला हारी साहेली आबो हवा का खत्ता, पाकिस्तान का साहेली इलाका मुंतका हारा की शुमाली, अच्छा ये ना चारा लिखा वैसे हारा मुंतका हारा की शुमाली हद खत्ते सरतान की नजदीक वाकया है। पाकिस्तान का जो ये खत्ता है हमारा हारी साहेली इलाकों का इलाके का जो खत्ता है बारिश समंदर का जो इलाका है तो ये खत्ते सरतान की नजदीक के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की करीब है। ठीक है और सही। और इस खित्ते में बलूचिस्तान, क्योंकि इस खित्ते में हमारे पास मैं आपको बताऊं कि हारी साहेली आबो हवा का खित्ता है तो यहाँ पे बलूचिस्तान और सिंध के जो साउथ पे जो समंदर लगता है ना उसका साहेली इलाका सारा शामिल है। ठीक है दोबारा बोल रही हूँ, ये जो खत्ता है पाकिस्तान का साहेली इलाका जो है ये नॉर्थ में की हद जो है यानी कि नॉर्थ में हमारे पास है खत्ते सरतान ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के करीब पाया जाता है। ठीक है और इस खत्ते में बलूचिस्तान और सिंध के समंदर का जो इलाका है वो इसको टच करता है। इस खत्ते की आबो हवा पर बहीरा अरब के असरात नुमाए हैं तो यहाँ पे क्योंकि समंदर है तो यहाँ पे अरेबियन सी के असरात हैं इसलिए यहाँ पे देखिए बरी का लफ्ज नहीं है। समंदरी असरात की वजह से इस खत्ते का दर्जा हरारत मुतदिल रहता है, जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर हमेशा मुतदिल यानी कि मॉडरेट रहता है। मौसम में सरमा में औसत दर्जा हरारत यहाँ पे जो टेम्परेचर है सर्दियों में वो 10 से 20 यानी कि खुशगवार रहता है, लेकिन मौसम में गर्मा में भी यहाँ पे ज्यादा ठंड गर्मी नहीं पड़ती तो वो 21 से 31 यानी कि 21 से 31 सेंटीग्रेड के बीच बीच पे रहता है। इससे ज्यादा यहाँ का टेम्परेचर जो है समंदर का समंदरी इलाके में नहीं होता, ये खुशगवार इलाका है। ठीक है इस खित्ते की नुमाया खसूसियत में नसीम बहरी वो हवाएं होती है जो समंदर से खुश्की की तरफ, नसीम बहरी वो हवाएं होती है जो खुश्की से समंदर की तरफ चलती है। ये हमारे दिन और रात के दर्जा हरारत में फर्क रहती है। अगर आप कराची में चले जाएं तो देखिएगा कि वहां दिन में गर्मी होती है, रात को जैसी शाम होती है तो वहां खूबसूरत ठंडा मौसम और ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। ठीक है अच्छा ये देखिए लिखा हुआ है ये हमारे दिन और रात के दर्जा हरारत के फर्क की वजह से दिन के वक्त दिन में क्या होता है समंदर से हमारे खुश्की तरफ यानी कि नसीम बहरी की तरफ चलती है और रात के वक्त जो है हवाएं वो समंदर से हवाएं जो है खुश्की से समंदर की तरफ इनकी नसीम बरी की तरफ चल रही होती है। ठीक है दोबारा बता देती हूँ, ये हवाएं जो होती है दिन और रात में फर्क होता है, दिन के वक्त क्या होता है दर्जा हरारत में फर्क होता है। ठीक है क्योंकि जो क्या होता है कि दिन के वक्त जो होती है समंदर से खुश्की हवाएं इनकी नसीम बहरी की तरफ चलती है तो मौसम ठंडा नसीम बहरी की तरफ चलती है इसे नसीम बहरी कहते हैं। ठीक है रात के वक्त क्या होता है जो रात का वक्त होता है हवाएं जो होती है वह खुश्की से समंदर की तरफ चलना शुरू हो जाती है तो ये नसीम बहरी होती है। ठीक समंदरी असरात की वजह से क्योंकि समंदर के असरात से हवाओं में नमी क्योंकि हवाएं जो होती है उनमें नमी होती है इसी वजह से यहाँ पे बारिश की मिकदार जो है नमी की मिकदार ज्यादा रहती है ताहम बारिश जो है यहाँ कम होती है। सिंध के इलाकों में बलूचिस्तान सिंध और बलूचिस्तान के जो नॉर्थ के साहली इलाके हैं यहाँ पर बारिशें जो है वो कम होती है नमी ज्यादा होती है। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर कभी आप देखिएगा सिंध के जो साहली इलाके हैं अगर वहां पे गर्मी हो जाती है तो वहां पे ऐसा होता है कि गर्मी की वजह से ना नमी की वजह से हवा बंद हो जाती है और जब हवा बंद हो जाए ना इस तो वहां पे बहुत ज्यादा मसला हो जाता है। ये अमूमन वहां पर हुआ है। ठीक है ठीक है इसके अलावा औसत सालाना बारिश की जो मकदार है वो 125 से 250 मिलीमीटर यानी कि 125 से 250 मिलीमीटर यहाँ के दरमियान बारिश होती है जिसमें मौसम इख्तलाफ जिसमें मौसमी इख्तलाफ पाया जाता है तो इसमें मौसम जो है वो इख्तलाफ पाया जाता है। मैंने आप लोगों को पेज नंबर आज पढ़ाया है 25, 26, 27 आप लोगों को
इसकी रीडिंग करनी है, और रीडिंग करके जो भी क्वेश्चंस हैं यू कैन आस्क, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने अगले लेक्चर में आप लोगों को एमसीक्यू से मैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करवा दूंगी। ये मेरा जो है लेक्चर नंबर मेरे ख्याल से मैंने ये सेकेंड लेक्चर है मेरा, ठीक है। चलें जी, शुक्रिया।